दोस्तों, एक अच्छी और टोन्ड बॉडी हर कोई चाहता है, चाहे मर्द हो चाहे महिला हो। लेकिन अच्छी और टोन्ड बॉडी की परिभाषा हर कोई नहीं जानता। अच्छी और टोन्ड बॉडी का मतलब यह नहीं है कि आपके बाइसेप अच्छे हों, पेट पे फैट नहीं हो। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके ग्लूट्स यानी कि बट्स का साइज़ भी अच्छा होना चाहिए। ना वो बहुत छोटे होने चाहिए और ना ही बहुत बड़े होने चाहिए। जब तक आपके हिप्स का साइज़ अच्छा नहीं होगा, तब तक आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी, आपको कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके हिप्स के बारे में। अगर आपके हिप्स टोंड नहीं हैं, ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हैं, तो उन्हें बड़ा कैसे किया जाए, उन्हें टोंड कैसे किया जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हेल्थ फिक्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। डाइट के बारे में हम लोग एंड में बात करेंगे, पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करनी चाहिए। दोस्तों, हमें वॉक और रनिंग वगैरह ज़रूर करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे तो आपको रोज़ वॉक या फिर जॉगिंग करनी चाहिए। इससे आपके पैरों के, टांगों के मसल एक्टिवेट रहते हैं और उनमें ज़्यादा फैट वगैरह जमा नहीं होती और वो टोंड रहती हैं। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। जब भी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप किसी भी तरह से वार्म अप कर सकते हैं, चाहे आप रस्सी कूद सकते हैं या फिर आप वैसे भी कोई स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज है फ्रंट लंजेस। दोस्तों, मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर में भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत सी महिलाएं भी देख रही हैं, तो वो महिलाएं ये घर में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। हफ्ते में 2 दिन एक्सरसाइज करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फ्रंट लंजेस बहुत ही ईजी है। पहले आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ होगी, लेकिन जब आपका रूटीन बन जाएगी तो आप ईजिली कर पाएंगे। दोस्तों, पहला पैर आगे ले जाएँ, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे आएँ, ऐसे ही ऊपर आ जाएँ, फिर दूसरा पैर आगे ले आएँ और धीरे धीरे नीचे आ जाएँ। ऐसे ही आप 10-10 के 3 सेट लगाएँ, इसी से आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपके जो थाइस के मसल हैं उन्हें एक्टिवेट करता है, उन्हें टोंड करने में मदद करेगा। दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज है डोंकी स्टाइल। दोस्तों, डोंकी स्टाइल हम बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन में जब हम घोड़ा बन जाते थे, उसी की ये एक्सरसाइज ली गई है। घोड़ा बन जाना है आपने, यानी कि आपने कोहनियों और घुटनों के बल आपने बैठ जाना है। अब एक पैर पीछे लेके आना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं वैसा ही आपने दूसरे पैर के साथ करना है। ये करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसके ज़्यादा सेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, ये है स्क्वैट। दोस्तों, स्क्वैट बहुत से लोग सही नहीं लगाते। इसमें आपको 1 फीट की दूरी रखनी है दोनों पैरों में और धीरे धीरे नीचे बैठना है। जो लोग, जिन्हें इजी लगता है, वो बहुत फास्ट फास्ट लगाते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आपको फास्ट नहीं करनी, बहुत धीरे धीरे आप एक्सरसाइज के लिए आराम से करिए। इसके भी आप 3 सेट लगाइए। दोस्तों, ये थी मेन एक्सरसाइजेज। अब हमें कुछ योगा का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, योगा में पहला है अंजयाना आसना। दोस्तों, ये सूर्य नमस्कार की तरह है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काफ़ी इजी लगता है देखने में। सूर्य नमस्कार थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में ही आपको करना है। दोस्तों, दूसरा जो आसन है वो है ब्रिज पोज। इस पोज के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये अगर आपके कमर में दर्द है उसे भी ये फ़ायदा देता है, आपकी बैक बोन को फ़ायदा देता है। अगर आपको कोई यौन संबंधी समस्या है तो मेल भी कर सकते हैं, उन्हें भी ये फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके बट टोंड नहीं है, उन्हें टोंड करने में भी फ़ायदा देता है। तो आप देख सकते हैं, इसे आपने सीधे लेट जाना है और हाथों को आगे आना है, पैरों को बिल्कुल पास ले आएँ बट्स के और धीरे धीरे ऊपर आना है। इसे हम ब्रिज एक्सरसाइज कहते हैं। इसके भी आप 10-10 के सेट लगाइए 2। और लास्ट एक्सरसाइज है मल आसना। दोस्तों, मल आसना हमें रोज़ करना चाहिए, कम से कम पैरों के भार बैठना चाहिए। इसे हम पैरों के भार बैठने को बोलते हैं। इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पहले के लोग पैरों के भार बहुत ज़्यादा बैठते थे, तो उन्हें बहुत सी तकलीफ़ें नहीं होती थी, जैसे कि कब्ज नहीं होती थी, पेट में कोई तकलीफ नहीं होती थी। आजकल लोग स्टैंडिंग सीटों में बैठते हैं टॉयलेट, इसी वजह से कभी कब्ज हो गई, कभी पाइल्स हो गई। तो आप रोज़
5 से 10 मिनट पैरों के भार बैठिए, मलासना कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे आपके ग्लूट के मसल भी एक्टिवेट होंगे। तो ये आपने एक्सरसाइजेस करनी है बढ़िया तरीके से। बाकी अगर फूड की बात करें तो प्रोटीन, जब भी हमारे मसल बनते हैं तो प्रोटीन से बनते हैं। तो अगर आप अपने मसल को स्ट्रेचिंग देना चाहते हैं, मसल बढ़िया बनाना चाहते हैं, खास करके हिप्स के मसल, तो प्रोटीन ज़रूर रखिए डाइट में। अंडे खाइए, अगर आप वेज हैं तो आप मशरूम वगैरह खाइए, सोया प्रोटीन खाइए। सोया प्रोटीन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी अच्छी मात्रा रखिए और हेल्दी फैट्स खाइए, जैसे कि बादाम खा लीजिए, चिया सीड्स का सेवन कीजिए। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए फ़िश खाना चाहते हैं तो फ़िश का भी सेवन कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज, योगा और डाइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।